हेलो गाइस, मेरा नाम है ऋतिक। आप देख रहे हैं आरएम मोटो व्लॉग्स। तो भाई लोग कैसे हो? होप यू ऑल आर फाइंस। तो इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखना हो। उसमें था कि इंजन क्लीनिंग इन इनलेट एंड एग्जॉस्ट बल्ब। फिर मैंने उससे भी पहले बनाया था कनेक्टिंग रॉड फिटेड ऑन द क्रैंकशाफ्ट। फिर तीसरे में बनाया था पिस्टन फिटेड ऑन द सिलेंडर ब्लॉक। एंड चौथे में बनाया था सिलेंडर लाइन इंस्टॉल इन द सिलेंडर। फिर ऐसे ही करके मैंने पूरा 7 पार्ट बनाया था। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ 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 पहले उसको देख लो, फिर आप इसको देखना, और तब आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। देखने में भी अच्छा लगेगा कि पीजीपीटी में ट्रेनिंग कैसा होता है, कैसे क्या होता है, यहाँ पे कैसे काम होता है, यही सब। तो चलो डायरेक्ट ऑफिस में मिलते हैं। आज थोड़ा ज़्यादा काम है तो डायरेक्ट ऑफिस में चलते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे इंजन क्लीन हो रहा है। इंजन का रेयर पार्ट मतलब क्रैंकशाफ्ट का, जिससे जो क्रैंकशाफ्ट है इंजन में जुड़ा हुआ, उसका रेयर पार्ट, पीछे का पार्ट साफ किया जा रहा है बाय द हेल्प ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, ये सैंड पेपर ही ज़्यादा कोई बोलते, पर ये लोहा को रगड़ने के लिए है, तो स्टील पेपर बोल सकते हैं आप लोग। स्टील पेपर से साफ कर रहे हैं। और इधर सर लोग पूरा उसका बुश हव निकाल रहे हैं, मतलब सील निकाल रहे हैं, जो रहता है हव ऑफ द क्रैंकशाफ्ट बोलते हैं इसको। हाँ, तो जो पुराना हो गया, ख़राब हो गया, मतलब स्लिप कर गया है, मतलब रबर का रहता है तो जो एक्चुअली तो स्लिप ही कर जाता है, तो उसी को निकाल रहे हैं सर लोग। निकाल के पूरा फिर उसको साफ कर रहे हैं नया सील लगाने के लिए, क्योंकि वो तो घिस के थोड़ा सा पतला हो जाता है तो वहाँ पे स्लिप करने लगता है। तो ऐसा ही है, पूरा उसको साफ करके पूरा बनाया जा रहा है एकदम अच्छे से। तो पूरा मेहनत चल रहा है एकदम खतरनाक वाला, और क्या ही बताऊँ। और थोड़ा देखो, ज़्यादा मैं बोलने नहीं पाऊँगा यहाँ पे, तो मुझे दिक्कत हो जाएगा मेरे को। अब यहाँ पे सर लोग सील नया बैठा रहे हैं पूरा हाथ उसका मदद से। अगर लोहा हुआ से मारेंगे तो थोड़ा ख़राब होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है, पर सर लोग देखो अब यहाँ पे हल्का हल्का मारेंगे एकदम, लोहा वाला जो सील है उसको लगा के। पूरा ध्यान से देखना एकदम, एक एक पॉइंट पे धीरे धीरे मारते हैं सर लोग। पूरा ध्यान से इधर उधर करके मतलब सेट करते हैं सर लोग हमेशा। देखना कभी भी एक ही जगह पे नहीं मारेंगे, नहीं तो सील स्लिप, मतलब सील एक तरफ अगर प्रेस ज़्यादा हो जाता है तो एक तरफ निकल जाता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए सर लोग पूरा एकदम कंट्रोल मारते कि वहाँ पर बैठ जाए। और चलो देखते हैं, थोड़ा हम फास्ट कर देते वीडियो को। सर लोग पूरा मेहनत से लगा दिया, अब आउटर सील को लगाया जा रहा है। जैसे कि तुम देख रहे हो दो दो तो सील है, इसको बैठाया जा रहा है
नट नट तो लगेगा ही वहाँ, वहाँ मोबिल डाला जा रहा है एक, तो मतलब लुब्रिकेट करना एक तरह से लुब्रिकेट किया जा रहा है। देखो वहाँ मेन तो यही है, मेन यहाँ डाला जा रहा है, उसको फिट करने का तरीका होता है। देखो दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, चलो। तो फाइनली आज ऑफिस में इतना ही काम हुआ, मतलब हम तो स्पीड करके तुमको वीडियो दिखाएं, तो इतना ही काम हुआ और इसको करने में चार घंटा या तीन घंटा लग ही जाता है पूरा। तो हम तो तुमको काट काट के दिखाएं, अगर पूरा दिखाने जाते तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और तुम लोग को पसंद भी नहीं आता। और वैसे भी मैं बड़ा यूट्यूबर तो हूँ नहीं कि 20-20 मिनट का वीडियो बनाओ, नहीं तो मैं ही फूक जाऊँगा। 1.5 GB में क्या ही मिलता है आज। तो चलो जो भी था अच्छा था। तो ये था इंजन इंस्टॉलिंग क्रैंकशाफ्ट हब, इसको एक्चुअली में यही बोलते हैं। तो यही था आज का वीडियोस में, और अगर अच्छा लगे हो तो लाइक करना और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।